फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। भले ही आज के दौर में बादशाह, बोहेमिया, रफ्तार जैसे रैपर्स बॉलीवुड में धमाल मचा रहे हो, लेकिन अगर रैपर्स की बात हो तो हम हनी सिंह को कैसे भूल सकते हैं। एक समय ऐसा था जब शादी और पार्टीज में जब तक हनी सिंह के गाने नहीं बजते थे तब तक पार्टी अधूरी लगती थी, लेकिन कई बार हनी सिंह के गाने हिट होते थे तो कई बार उनके गाने विवादों के घेरे में भी आ चुके हैं। यही नहीं, हनी सिंह गानों के साथ कई और चीजों को लेकर विवाद में रहे हैं। तो चलिए बताते हैं उनकी कुछ ऐसी ही कॉन्ट्रोवर्सीज। नंबर वन, फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के गाने लुंगी डांस में शाहरुख खान के साथ हनी सिंह नजर आए थे। उस समय खबरें आ रही थी कि गाने के प्रमोशन के दौरान शाहरुख खान ने हनी सिंह को जोरदार थप्पड़ मार दिया था और तब से ही वो लाइमलाइट से गायब हो गए थे। ना तो वो किसी इवेंट में नजर आते थे और ना ही किसी पार्टी में। हालांकि बाद में शाहरुख ने इन खबरों को अफवाह बताया था। नंबर टू, हनी सिंह का सॉन्ग मैं बलात्कारी हूँ को लेकर काफी विवाद हुआ था। ये गाना काफी वल्गर था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि ये उनकी आवाज नहीं है और बात फोरेंसिक वॉइस एनालिसिस तक पहुंच गई। हालांकि कहा यही गया कि ये उनकी ही आवाज थी। नंबर थ्री, लुधियाना की कैंचियों ने हनी सिंह के कई गानों को बैन करने की मांग की थी, क्योंकि उनका कहना था कि गाने युवाओं को शराब और ड्रग्स के लिए उकसाते हैं। नंबर फोर, नागपुर के एक थाने में अश्लीलता के मामले में जब हनी सिंह को अरेस्ट किया गया था तो मुश्किल से वो वहां 15 मिनट रुके थे। उस दौरान वो पुलिस और उनके परिवार वालों के साथ फोटो सेशन ही करवाते रह गए, जिसके लिए उनकी और पुलिस की काफी आलोचना हुई। नंबर फाइव, हनी सिंह के लंबे समय से बॉलीवुड से गायब होने पर भी तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगी थी। यहाँ तक कि ऐसी खबरें आने लगी थी कि हनी ड्रग्स लेते हैं और वो अपनी इस आदत को छोड़ने के लिए रिहैब सेंटर में है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।